जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के आज के सेशन में। और आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम हमारे बच्चे की स्टडी को इजियर, फास्टर, बेटर और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे आसपास है और आप में वो कंट्रोल है, उन्हें साथ में बिठा सकते हो, तो स्वागत है आपके बच्चों का भी। अगर नहीं है तो पेरेंट्स आर वेलकम, खाली पेरेंट है तो भी चलेगा, है ना। अगर बच्चे आते हैं तो स्वागत है। तो आज हम देखेंगे स्टडी को इजियर, बेटर, फास्टर और इंटरेस्टिंग बनाने के कुछ तरीके, है ना। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो या तो हाथ दिखाएं या फिर टाइप करें, यू नो क्या टाइप करना है ना। तो आप टाइप कर सकते हो इन चीजों को, तब तक मैं थोड़ा सा मेरी पीपीटी बना दूं, है ना। यस। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम। चलो बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आज सुबह से मैं भगवद गीता सुन रहा हूँ तो मैं ये श्लोक मेरे अपने आप निकल रहे, तो मुझे माफ कीजिए अगर आपको बीच में कुछ रेफरेंस ना लगे। पॉज की जगह मैं आज पता नहीं कैसे पर श्लोक ही चल रहे हैं मेरे सुबह से। वैसे बुरी बात नहीं है, तो स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं और कहते हैं जय श्री कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं स्टडी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं स्टडी का गोल क्या है। स्टडी का गोल क्या है? तो आप में से कोई टाइप करना चाहता है तो कृपया टाइप करें, स्टडी का गोल क्या है ना। तो कई सारे लोग है ना, मेरे एक टीचर है राम वर्मा सर, उनके वीडियोस देख रहा था और उन्होंने एक वीडियो में कहा, हम ना बड़ी मेहनत से एवरेज बने रहते हैं, यू नो, हम बड़ी मेहनत से एवरेज बने रहते हैं। और उन्होंने कहा, गरीब बने रहने में भी बहुत मेहनत लगती है, एवरेज बने रहने में भी बहुत मेहनत लगती है, थोड़ी सी कुछ इधर उधर ना थोड़ा सा चेंज कर दो, यू बिकम यूनिक, यू बिकम स्पेशल, यू बिकम डिफरेंट। बट हम चाहते हैं कि नहीं, झुंड में सुरक्षा, यू नो, झुंड में सुरक्षा, सब जा रहे उधर ही जाएंगे, चाहे कहीं भी जाए पर सबके साथ जाएंगे, वही करेंगे जो सब कुछ हर कोई कर रहा है। तो इसी तरीके से ये जो ट्रेन है ना, 15 साल की ट्रेन किसी जमाने में चलती थी एजुकेशन की, उससे पहले तो मैट्रिकुलेशन की ट्रेन हुआ करती थी, 10 साल चलती थी, यू नो। वो भी बोलते थे, अगर आप 7 स्टेशन चल चुके हो, 7th स्टैंडर्ड तक आ चुके हो, तो यू आर एलिजिबल टू गेट द इंसेंटिव ऑफ कंप्लीट जर्नी। 7वीं पास को भी गवर्नमेंट जॉब मिलते थे एक जमाने में, है ना। तो फिर उन्होंने ट्रेन की लंबाई बढ़ाई, 3 डब्बे जोड़ दिए, बोले 10वीं के बाद आपको जॉब मिलेगी। फिर बोले 12वीं, यू नो, इंटरमीडिएट करना चाहिए, है ना, एसएससी करना चाहिए, एचएससी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन करना चाहिए, है ना, वो कर दिया। फिर बोले यार बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है ना, तो इनको थोड़ा और टेस्ट करते हैं। फिर और 3 साल जोड़ दिए, बोले विद्या विनय न शोभते, चलो डिग्री करो 15 साल तक पढ़ो। फिर उनको लगा, यार ये तो बहुत ज्यादा लोग डिग्री ले रहे हैं। फिर बोले पीजी करेंगे, यू नो, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे। क्या करेंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो बच्चों को ना पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाने लग गए। वाह। फिर बोले यार यहाँ भी बहुत लोग आने लगे, अभी एमफिल और पीएचडी करते हैं, हाँ, नेट सेट लगाते हैं, गेट लगाते हैं, ऐसे एग्जाम लगा दिए। फिर बच्चे रुकने लगे थोड़े से। तो उन्हें लगा, यार ये बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं, अभी कैसे बढ़ाए ना, आगे कैसे बढ़ाए। तो नहीं सोचा कुछ, तो उन्होंने पीछे से गाड़ी को ना 2-3 डब्बे लगा दिए इंजन से पहले, यू नो, जूनियर के जी, मिनी के जी, सीनियर के जी। और इस तरीके से टोटल 20 साल की एजुकेशन की गाड़ी चल रही है। और हम एडमिशन लेते हैं ना, बच्चा माँ बाप का नाम ठीक से नहीं जानता तब से पढ़ने लगता है, यू नो, तब से पढ़ने लगता है, ओके। और उन्हें एक ही बात समझ में आती है, ओके, नेवर एवर टेक पंगा विथ योर मिस, यू नो। तो टीचर ने अगर बोला गलती से 2+2 इज 5, तो बच्चा झगड़ने लगता है माँ के साथ, है ना। टीचर गलत हो नहीं सकते। एनीबडी हैज डिफरेंट एक्सपीरियंस, देन आई रिक्वेस्ट यू टू पार्डन मी प्लीज। बट करते हैं बच्चे ऐसे, है ना। तो 20 साल की जर्नी। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ओवर 3 लाख स्टूडेंट्स पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, उनके चैट्स पढ़े हैं, उनके साथ बातें की है, उनके साथ यानी सबके साथ तो बात नहीं हुई, एवरेज 3-4% लोग आके सामने से कुछ क्वेश्चंस करते हैं या फिर बात करते हैं, और एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं जाना कहाँ है, सिंपल सी सिस्टम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और दैट इज़ द मेन रीज़न
जब पेरेंट मेरे पास आते हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं लगता, बच्चा स्टडी नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं बोलता हूँ ठीक है कंसंट्रेशन नहीं लगता, बिठाओ टीवी के सामने और बोलो कितने मिनट बाद हटाए। बोले फिर तो घंटों बैठ जाते, तो कॉन्सेंट्रेशन तो लगता है, सही चीज में नहीं लगता, क्यों? पर्पज नहीं है मेन चीज, पर्पज का कमी, पर्पज की कमी। जब पर्पज होता है, ध्यान से सुन लेना, जब पर्पज होता है तो लोग ना घंटों जागते हैं, दिनों जागते हैं, यू नो। मैंने कई सारी शादियों में, ऑर्गेनाइजेशन में मदद की है, काफ़ी अच्छा प्लानिंग है मेरा, प्लानिंग स्किल अच्छा है, तो मैं कई सारी मैरिजेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैंने देखा है कुछ लोग तो तीन तीन चार चार दिन, यस यस बच्चों को चलेगा, और ये बातें बच्चों को आज नहीं तो कल सुननी है, तो सुनने दीजिए प्लीज़, यस बच्चों को प्लीज़ बुलाइए, यस थैंक यू। तो मैंने देखा है, अगर मान लो घर में शादी है, घर में शादी है, तो वो जो दुल्हन होती है उसके माता पिता ना तीन तीन दिन बिना एक घंटा सोए जागते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हैं, वो हर किसी को चाहे छोटा हो बड़ा हो, उम्र में या उदय में, सबको प्रणाम करते हैं, झुक के नमस्ते करते हैं, हर चीज़ को इंश्योर करते हैं कि सब ठीक चल रहा है, हाँ या ना। फिर क्यों नहीं उनका कॉन्सेंट्रेशन डाउन होता, क्यों नहीं उनको थकावट आती, क्यों नहीं उनको बोर होता? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, द हाइयर इज द फोकस, द हाइयर इज द पर्पस, द हाइयर इज द कॉन्सेंट्रेशन। नोट करना, जहाँ फोकस है, जहाँ पर्पस है, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, और जहाँ फोकस नहीं, जहाँ पर्पज ही नहीं, वहां काहे का कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको बताता हूँ, यू विल बी सरप्राइज टू नो, 40% बच्चे ना रिप्लाई, मैं जब पूछता हूँ बेटा क्यों पढ़ना चाहते हो, जब लोग हमारे वर्कशॉप में आते हैं, मेमोरी टेक्निक के वर्कशॉप में, 40% बच्चे बोल देते हैं मम्मा की वजह से, यू नो मम्मा कहती है करो, बाकी बच्चे कुछ टीचर को क्रेडिट देते, टीचर होमवर्क देती है, यू नो। यहाँ कई सारे टीचर्स है ऑलरेडी चैट बॉक्स में हमारे, तो प्लीज नोट करें दोस्तों, स्टडी का गोल क्लियर होना चाहिए बच्चों को, एंड दैट इज वेयर जितना जल्दी हो सके बच्चों के, आप अगर इंटेलिजेंस बेस उनके लाइफ गोल पे डिस्कस करो तो बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, यह एक जिसे कहते हैं ना लाइफ रियलिटी है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी कंप्लीटेड हर PhD, और मैंने उसे पूछा क्या हो गया, होगी PhD, 2 साल हो गए PhD होके, अब क्या सब बढ़िया हो गया, लाइफ सेट हो गई, लाइफ सेट हो गई? उन्होंने कहा, काहे कि सर 13,000 ऑफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं करना है काम तो करो, नहीं तो हमारे पास ढेरों PhD पड़े हैं। थिंक ऑफ इट, रियल लाइफ स्टोरी। और मैंने उन्हें निमंत्रित किया था कि आइए पेरेंटिंग कोचिंग कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, थैंक यू कमाइए और पैसे भी कमाइए। और दैट टाइम शी सेड नो, माय PhD इज ड्यू, इट इज वन ऑफ माय लाइफ प्रोजेक्ट, ये तुम्हारे बाकी ट्रेनिंग वर्निंग छोड़ो, मैं PhD कर दियो, ये खत्म हो गई, PhD लग गया, बस फेसबुक पे पोस्ट आ गई, 50-60 कमेंट। 3 दिन बाद मैंने पूछा क्या बदला जीवन में, बोले अभी तो कुछ नहीं बदलेगा। 3 महीने बाद मैंने पूछा क्या बदला जीवन में, बोले अभी तो कुछ नहीं बदलेगा। 3 साल बाद पूछा मैंने जीवन में क्या बदला जीवन में, बोले कुछ नहीं बदला। फिर मैंने पूछा उसको वही सवाल यहाँ पे, व्हाट स्टॉप्स यू, मैंने उन्हें को पूछा, ये एक PhD है ना, PhD इंडिया में हाईएस्ट डिग्री है, व्हाट स्टॉप्स मी, उसका रिप्लाई आया व्हाट स्टॉप्स मी, है ना। वो रिप्लाई क्या था पता है, इज द क्वेश्चन व्हाट शुड आई डू फॉर हेल्पिंग मोर एंड मोर पीपल विथ दिस स्ट्रॉन्ग टूल सर, आई मिस्ड योर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर माई PhD शेड्यूल, वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर आई मेड, प्लीज हेल्प। एक लेडी, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक लेडी जीवन के 15 साल लगा देती है डिग्री कंप्लीट करने में, और 2 साल लगा देती है PhD पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, 5-7 साल का एक्सपीरियंस लेती है, फिर बच्चा घर सब कुछ संभाल कर बड़ी मेहनत से इन लोगों के नोटिंग किया और मूड संभाल के 3-3 साल मेहनत करके PhD करती है। मजाक में उम्र भी 40 के करीब हो जाती है, और फिर उसे पता चलता है ये तो मेरा एक समय का सबसे बड़ा ड्रीम था जिसको मार्केट में रद्दी के भाव भी वैल्यू नहीं है, अब क्या करे, नाम के पीछे डॉक्टर लग जाता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था पर्पस की, व्हाट्स द पर्पस, स्टडी क्यों कर रहेंगे बच्चे, पता ही नहीं बच्चों को क्या करना है, आगे बढ़ के क्या करना है, एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को ना स्टडी के फायदे के बारे में बताइए, उनको क्लियर कट, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, उनको क्लियर कट आगे वाला पाथ बताइए, उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं वो बताइए,
रियल लाइफ एक्सपीरियंस दीजिए। बच्चा जब बाहर जाता है ना, बाहर जाता है दरवाजे में, थोड़ा सा इधर उधर देखता है और देखता है कोई तो बढ़िया सा सीओईपी का इंजीनियर है, क्षमा चाहता हूँ ब्रांड नेम के लिए, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, पर सीओईपी बहुत बड़ा कॉलेज है, देखता है बढ़िया सी गाड़ी में, सिडान कार में घूम रहे इधर उधर, है ना, और थोड़ी देर बाद देखता है कोई तो 10th 12th पास या ना पास वाला आदमी ऑडी में या मर्सिडीज में घूम रहा है। बच्चा सोचता है ये क्या हो रहा है, लग्जरी कार में एजुकेटेड एंड सुपर लग्जरी कार में कौन आया ना। बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चे को पर्पस देना जरूरी है, बच्चे को पर्पस देना जरूरी है, उसके सिवा वो स्टडी नहीं करेंगे। उनको बताओ ये रास्ता जाता कहाँ है, क्योंकि आज गूगल के जमाने में हर बच्चा स्टडी ये करके देख रहा है। 8 लाख बच्चों को 90 वो मार्क मिल गए, तो मैंने ले लिया तो क्या बड़ी बात है ना। अभी तो स्कूल बोर्ड पे नाम भी नहीं लिखती हूँ, हमारे जमाने में तो किसी ने गलती से 90% 89 लिख दिए तो भी बोर्ड पे परमानेंट नाम। एक मेरे दोस्त है अभी नासिक में, कार्डियोलॉजिस्ट है, गिरीश काले, है ना, वो हमारे बैच के मेरिट स्टूडेंट है, तो उनका नाम अभी भी हमारे स्कूल के बोर्ड पे, यू नो, गिरीश काले, डॉक्टर गिरीश काले, एंड वी फील प्राउड ऑफ हिम। वो जमाना था यार, वो जमाना था। आज तो बस जिसे कहते हैं ना, बच्चे पास होते और एग्जाम फेल हो जाती है, आई रिपीट, बच्चे पास हो जाते हैं और एग्जाम फेल हो जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है, बच्चों को पहले ना क्लियर बताइए कि पढ़ने का पर्पस क्या है, व्हाट्स द गोल। ऐसे कुछ फोटो दिखाइए उनको, और जब ऐसे फोटो आप दिखाओगे ना, एक वर्कर काम कर रहा है तो हो सकता है दिन के 500-700 रुपए कमा ले, और कोई आर्किटेक्ट काम कर रहा है तो वो लाखों में डील क्लोज करे, है ना, या इंटीरियर वाला, है ना। पर ऐसे दिखाते वक्त भी ना थोड़ा सा बच के रहना दोस्तों, गूगल तो बच्चों के पास भी है, वो उल्टी फोटो कुछ ना दिखा दे आपको, है ना, कि बोले मुझे एक बच्चे को मैं ऐसे ही मोटिवेट कर रहा था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, तो वो बोला 10th का बच्चा था, 10th हो गई, और मैंने बोला बेटा ये करो वो करो, मम्मा की कंप्लेन थी कि बच्चा पढ़ाई में सीरियस नहीं है, तो मैंने उसको ऐसे कुछ दिखा दिया, वो गया तुरंत बैग से बुक लेके आया और दिखा दिया मैंने, मैं बोला क्या है ये, बोले ये देखो, मैं बोला क्या है, बोले तेंदुलकर, खुद पढ़ा नहीं बट हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, यू नो, आप और आप मुझे बोल रहे हो पढ़ना है, तो बच्चे भी आपको उल्टा मोटिवेट कर सकते हैं। एंड दैट इज वेयर आई सिंसियरली अपील ऑल ऑफ यू, बच्चे की यूनिकनेस को ढूंढे, उसको बताए कि आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हो। जब तक बच्चा वह बदलाव की कंट्रीब्यूशन की खुशी को फील नहीं करेगा, वो अटेंटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों, छोटा सा एग्जाम्पल, जब स्कूल की ट्रिप जाती है, सुबह सुबह बच्चा माँ को उठाने आ जाता है, यू नो, मम्मा जल्दी से उठो, क्या कहता है, मम्मा जल्दी से उठो, टिफिन बनाओ, मुझे जाना है, मेरी बस लेट हो जाएगी, यू नो, बस नहीं मैं लेट हो जाऊंगा, बस कैसे लेट होगी, मैं लेट हो जाऊंगा, है ना, ऐसा बोलते हैं। और वही स्कूल वाले दिन, मम्मा यहाँ डब्बा भी रेड हो गया, बेटा बेटा, फिर से एक बार बेटा, फिर बेटा बेटा, है ना, पता चला कोरस में बेटा शुरू हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि जिस दिन ट्रिप जानी होती है, बच्चे को पता होता है क्या मजा आने वाला है, क्या एंजॉय करने वाले है, कैसा दिन होगा, स्कूल बच्चों को एक्साइट नहीं करती, प्लीज नोट करें दोस्तों। और आज मैं आपको ना कुछ तरीके बताऊंगा, शायद आपको ऑड लगे, ध्यान से सुन लेना, शायद आपको लगे दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, तो मैं पहले से बोल देता हूं, दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, बट इट वर्क्स। अब बोलो इट वर्क्स, है ना। अलग अलग 16 सेक्टर्स का स्टडी किया है मैंने दोस्तों, 16 यानी, है ना, कृपया कंफर्म करें मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है क्या, तो कृपया कोई ये चैट बॉक्स में उनको रिप्लाई दे दे, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट देम टू रिजॉइन, है ना, यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। एंड आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा मेमोरी के बारे में, आज ना मेमोरी के बारे में जरा समझने का करते हैं। तो पहले तो देखते हैं स्टडी के क्या चैलेंजेस है, आपके पास 1-2 मिनट का समय है, आप चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। तो नॉर्मली ये 2-4 चैलेंजेस स्टडी के आ जाते हैं, है ना, आप भी आपके टाइप कर लीजिएगा, तब तक मैं इनके बारे में बात करता हूँ। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं क्या है, मैं भूल जाता हूँ। कितने लोगों के बच्चे हैं जो टाइप करे आए, अगर बच्चा भूल जाता है ऐसे कंप्लेन है तो, है ना,
अगर बच्चा भूल जाता है तो टाइप करे आए, है ना, एग्जाम के वक्त, या फिर सब्जेक्ट का डर लगता है या कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम या स्टडी बोरिंग लगती है ना, अगर ऐसी चीजें हैं तो कृपया चैट बॉक्स में टाइप करे, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अच्छा, आए टाइप कर रहे लोग, तो ये कई सारे चैलेंज है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी मैं आपके 2-3 टेस्ट भी लूंगा और मैं आपको बताऊंगा, अगर हमने एक बार याद रख लिया ना, हमने एक बार याद रख लिया तो हम भूलते नहीं है। मैं एग्जांपल दे दूं तुरंत, चलो नहीं देता, थोड़ी देर बाद एग्जाम लूंगा आपके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आज हम सीखेंगे साइंस और दोनों तरीके से देखेंगे सनातन धर्म में क्या बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वेदों का पठन करोगे या फिर उपनिषदों का पठन करोगे, भगवद गीता का पठन करोगे, ये सब करोगे, तो आपको एक बात सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, जिसे कहते हैं ना स्मृति। क्या कहते हैं? स्मृति, यानी सुनकर। ओके, लोगों ने सुन सुन कर, यानी अपने गुरुओं से सुन सुन कर काफी कुछ याद कर लिया है ना, सुन सुन कर। उस वक्त तो लिखते नहीं थे लोग, तो सिर्फ सुनकर, है ना, किस तरीके से याद किया होगा, है ना। तो उस वक्त का साइंस है ना बहुत ही ज्यादा एडवांस था, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ओके, तो थोड़ा सा उस बारे में समझते हैं। तो हमारे जो देवी देवता है ना, कृपया नोट करें, हमारे हर एक देवी देवता है ना, वो एकदम एप्रोप्रिएट उनका रूप है, एकदम एप्रोप्रिएट उनका रूप है। अगर आपको किसी आइडियल पुरुष की बात करनी है तो आपको भगवान राम का दर्शन हो जाएगा, है ना। आपको किसी डिप्लोमेटिक और स्मार्ट एंड सभी क्षेत्रों में काम करने वाले देवता की देखनी है तो भगवान कृष्ण को आप देख सकते हो, है ना। माता, अगर आपको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी का फोटो, कितने लोगों ने माता लक्ष्मी का फोटो देखा है, जरा हाथ दिखाए। तो फोटो देखते ही हमें एहसास हो जाता है ना, धन की वर्षा हो रही है, यू नो, धन की वर्षा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बराबर है। माता दुर्गा का है ना, अपने आप को अपने भक्तों का कैसे रक्षण करना है, तो बस एकदम ऐसे करके बढ़िया तरीके से, है ना। तो हर एक देवता जो है हमारे यहाँ के, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ चीजों को हमें बताता है। तो एग्जांपल भगवान गणेश की बात करते हैं, भगवान गणेश जो कि विद्या के देवता है ना, तो उनका सबसे बड़ा फीचर क्या है पता है? बड़ा दिमाग है ना, बड़ा मस्तिष्क है उनका, है ना। तो दिमाग बड़ा है, बड़ा मस्तिष्क है और बड़े कान है। तो अगर आपको विद्या अर्जित करनी है तो आपको लिसनर बनना पड़ेगा और थोड़ा सा इस पे मगज को काम देना पड़ेगा, है ना। फोकस्ड आइज है और बड़ी एपेटाइट है उनकी, ज्ञान की भूख भी बड़ी है ना। एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर आप माता सरस्वती का फोटो देखोगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, चेहरे पे देखिए पीस, है ना, शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, मल्टीपल कलर्स है यहाँ पे, नेचर का कनेक्ट है, और दो हाथ में वीणा है और एक हाथ में जिसे कहते हैं वेद है, यस, है ना। इससे हम क्या सीख सकते हैं स्टडी के लिए ना, ये कुछ टिप्स है जो बहुत जरूरी है। पहली बात तो आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वह शांत होना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? शांत। इसको आप लिखे डिस्ट्रैक्शन फ्री, तो नोट्स बनाना शुरू करें, स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। दूसरा वाला पॉइंट लिखे मेक यूज ऑफ कलर्स, व्हाट्स द वर्ड? मेक यूज ऑफ कलर्स। तीसरा, अगर आप बिना, है ना, बिना बजा सकते हो तो बहुत अच्छा है। यानी क्या, जो आप सुन रहे हो उसको आप अगर थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाओ, लिरिक्स बनाओ, ओके, उस तरीके से बनाओ तो बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा आपको, है ना, और ज्यादा याद भी रहेगा। चलो, पहली परीक्षा आपकी ये रही आपके सामने। मैं एक छोटी सी पोयम गाऊंगा या फिर एक श्लोक का पहला वाला शब्द गाऊंगा, आपको उसे कंप्लीट करना है, और आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको टाइप करना है आई डिड इट। ओके, तो ये रहा आपकी पहली परीक्षा का पहला वाला शब्द आपके सामने, त्वमेव माता पिता त्वमेव, मन में कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर लिया तो IDI टाइप करना है। तो सभी को मनपूर्वक धन्यवाद, इतना अमेजिंग ये किया। अब कोई ऐसा है जिसने कल रात्रि को इसका पठन किया था, याद दिलाता, अरे आरसी सर पूछेंगे, याद करो तुम्हें माता पिता, तुम्हें
ऐसा किसी ने किया? अब मैं बेट लगा के कह सकता हूं, अगर मैं सब लोगों को बोलू ना ये सब लिख के दिखाओ, तो हो सकता है 2-4 लाख लोग ना इसे लिखने में गलती कर दे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, आसान नहीं है, आया ना? पर हमें याद है कैसे, लिरिक्स। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके स्टडी में रिदम आ गई, कलर आ गई, ट्रैंक्विलिटी आ गई, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह गए, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पक्का होगा, पक्का होगा। यस, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस इज अ वंडरफुल टिप? अगर ये आपको पसंद आई तो टाइप करे वाओ, टाइप करे वाओ। तब तक मैं आगे चलता हूं। इसी थ्योरी को 1981 में रॉजर डब्ल्यू स्पेरी ने दुनिया के सामने लाया। रॉजर डब्ल्यू स्पेरी, ध्यान से सुनिए दोस्तों, नोबेल अवार्ड विनर है ये, एंड ही केम अप विथ अ थ्योरी कॉल्ड एज स्प्लिट ब्रेन थ्योरी। उन्होंने कहा हमारा जो ये मगज है इसके दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। वाह क्या बात है, जैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड वैसे दिमाग भी, राइट दिमाग लेफ्ट दिमाग, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। और उन्होंने ये भी बोला कि राइट वाले का जो काम है वो अलग है, लेफ्ट वाले का काम अलग है। ओहो, हमें तो पता ही नहीं था, आया ना? तो उन्होंने बोला राइट एंड लेफ्ट ब्रेन थ्योरी उन्होंने सामने लाई। उन्होंने कहा लेफ्ट ब्रेन का काम है एनालिसिस करना, लॉजिक करना, स्टडी करना, नंबर, वर्ड्स, लाइंस, ओह ये काम तो कहीं देखा हुआ है। और राइट वाला काम क्या है, ये काम सब करते हैं, यू नो, लेफ्ट वाला करना है, राइट वाला सब करते हैं, डे ड्रीमिंग, 3D, रिदम, इमेजिनेशन, सिंथेसिस, कलर का यूज। तो मुझे बताइए राइट और लेफ्ट में आप कौन सा पार्ट यूज करोगे स्टडी के लिए? राइट के लिए टाइप कीजिए आर फॉर राइट, और लेफ्ट के लिए टाइप कीजिए आर फॉर लेफ्ट। ये क्या कह दिया मैंने, तो आपको पता है क्या टाइप करना है, आप टाइप कर दीजिएगा। तब तक मैं थोड़ा सा पानी का ब्रेक लेता हूं। राइट यूज करोगे या लेफ्ट यूज करोगे या बोथ यूज करोगे, क्या बात है? तो सभी लोग कह रहे राइट, एंड यू ऑल आर राइट, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा माता सरस्वती से, कलर्स चाहिए, रिदम चाहिए, चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ज्यादातर बच्चे ना टिपिकल बोरिंग स्टाइल से पढ़ते हैं, टिपिकल बोरिंग स्टाइल से, इसलिए उनको लगता है यार ऐसे भी पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, तो काहे को पढ़ना, यू नो। तो मैं आज आपको वो कुछ तरीके बताऊंगा, एक दो डेमो दूंगा, जिससे आप डेफिनेटली चीजों को याद रखना सीख जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेफ्ट ब्रेन की कैपेसिटी है 10%, राइट ब्रेन की कैपेसिटी है 90%, तो डेफिनेटली राइट ब्रेन यूज करना बनता है। तो ये सब लोगों का सवाल आता है मेरे सामने कि व्हाई डू वी फॉरगेट, है ना? तो सवाल ये गलत है, हम क्यों भूल जाते हैं, ये सवाल गलत है। हम भूल जाते हैं क्या, ये सही सवाल है। आपको क्या लगता है, हम भूलते हैं या नहीं भूलते? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव वी फॉरगेट? ओके, अगर आपको लगता है हम भूल जाते हैं तो टाइप करें बी फॉर भूल जाते हैं, और याद रहता है तो टाइप करे वाई फॉर याद रहता है ना, तो बी एंड वाई टाइप करे प्लीज। यस ओके, तो हमारे यहाँ पे एक ओके बी बी वाई आ गया है ना। यस बी एन वाई, वाह क्या बात है। बी एन आई एक संगठन है ना बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, पर बी एन वाई पता नहीं नया है। तो कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं। तो चलो जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आप सच में भूलते हो। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों। 2009 में एक मूवी आई थी, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और जरा देखना चाहूंगा 2009 की एक मूवी, जिसके बारे में अगर आपको याद है तो। 2009 में एक मूवी आई थी जिसमें तीन दोस्त थे, यू नो, तीन दोस्त। ये रही मेरी पहली हिंट आपके सामने। क्या आप पहचानते हो? अगर पहचानते हो तो टाइप करें, आप टाइपिंग में मुझे कुछ हिंट दे सकते हो, है ना? एक मूवी आई थी जिसमें थे तीन दोस्त। अच्छा, कृपा करके मुझे ये बताइए वो तीनों का नाम क्या था, अगर कोई बता सकता है तो प्लीज बताइए। ओके, उनके टीचर का क्या नाम था? बच्चा लोग जल्दी से टाइप करो, कमन 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 कमन, है ना? उनके टीचर का नाम क्या था? दो नाम थे, एक ओरिजिनल वाला और एक पेट नेम, दोनों चाहिए मुझे। चलो पेट नेम तो आ गया वायरस, है ना, वायरस। और ओरिजिनल नाम बताओ तो माने, अगर ये आपको याद रह गया तो फिर तो आपको बाबर और हुमायूं भी याद रहेंगे। पता नहीं क्या कर रहा है बट याद रख पाते हैं हमसे, है ना? हाँ, वीरू सहस्त्रबुद्धे, तो सभी को मेरी तरफ से बधाई। वैसे तो मैं मेरी पीढ़ी के लोगों को पूछना चाहूंगा, ऐसे ही तीन दोस्तों की एक मूवी आई थी 1995 में, एनीबडी रिमेंबर्स दैट मूवी?
है ना, हम तो बस इधर एग्जाम को गए और उधर थिएटर से ही बाहर निकले यू नो और बोले यार चल गोवा चलते हैं अभी, है ना। तो कौन सी थी मूवी वो, कोई याद, किसी को याद है, किसी को याद है? अमर अकबर एंथनी नहीं, वो उससे 25-30 साल पहले जाना पड़ेगा, यू नो 1972 में। हाँ, दिल चाहता है, यू नो दिल चाहता है, दा 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 दा, दिल चाहता है ना। अब देखिए कितनी अमेजिंग मेमोरी है आपकी, एक बार जोरदार ताली हो जाए आपकी, आपके खुद के लिए, है ना। अब ध्यान से सुनिए, जिस चीज की मैं आपको सबसे बड़ा सीक्रेट दे रहा हूं मेमोरी का, जिस चीज की आपके ब्रेन के पास स्टोरी है वह चीज आप भूल नहीं सकते। एग्जाम्पल, आपके किसी टीचर ने आपको बहुत डांटा था, कितने लोगों को याद है, टाइप करे डांटा था, डीटी, टाइप करे डीटी, डांटा था, है ना। टीचर के नाम के साथ याद आ जाएगा, मेरे को तो संभा सर नजर आ जाते थे, उनको देख के डर लग जाता था, है ना। हमने तो एक बार सोचा इनको सबक सिखाते हैं, तो मुझे मेरे तानाजी नाम के दोस्त ने बोला हम 5 लोग मिलके उनके वजन के बराबर बन जाते, बोले हम उनको क्या सबक सिखाएंगे इतने हैवी वेट थे, 6 फीट 2 इंच वाले। ओके, तो डाटा था, तो कैसे याद आया, यू नो कैसे याद आया। तो कृपया करके दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, हमारे पास अगर स्टोरी है तो हमें सब याद है, और स्टोरी नहीं तो कुछ याद नहीं, यू नो स्टोरी नहीं तो याद नहीं। एंड दैट इज हाउ, आपको ध्यान से सुन लेना, आपको, चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, है ना। मान लो पिछली बार आपके किसी पड़ोसी या दोस्त ने आपको ना कुछ नाश्ते के लिए भेजा था आपके घर में, कितने लोगों को याद है क्या भेजा था लास्ट टाइम, टाइप करे याद है, टाइप करे YH। वीडियो वाले हाथ भी दिखा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर याद है तो यस, ठीक है। अब बनाने वाले छोड़ के खाने वाले ने याद दिलाना है, 3 दिन पहले नाश्ते में क्या बना था। इल्ले नो स्टोरी नो मेमोरी, नो स्टोरी नो मेमोरी, है ना। अब मैं आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, मैं नांदेड़ गया था, बहुत बहुत दिनों बाद नांदेड़ गया था, और हम हिंगोली गेट नाम के एरिया में चले गए, यू नो। और जैसे ही मैं वहां गया, हमारे 12th स्टैंडर्ड के कुछ दोस्त उदय आए थे बिलोली से, शिवा थे, अजय थे, और हम वहाँ बैठे बैठे बात कर रहे थे, और कैसी बातें चल रही थी, तो शिवा मुझे कहता है तुझे याद है यहाँ पे एक चाय की टपरी हुआ करती थी, 96 की बात चल रही है ना। तो तुरंत उदय बोलते हाँ वो अन्ना की टपरी थी ना, बराबर है, हम चाय पीते थे कभी कभी, आया और वहां पे वो तुझे याद है क्या, बोले वो छोटे छोटे चॉकलेट्स बेचता था, हाँ रस मलाई दूध मलाई, वो भी याद आ गया, यू नो कितने लोग रिलेट करते हैं रस मलाई दूध मलाई से, है ना। हमारे वक्त वो चॉकलेट हुआ करते थे। इफ यू हैव अ स्टोरी यू हैव अ मेमोरी, इफ यू डोंट हैव अ स्टोरी यू डोंट हैव अ मेमोरी, याद रखना दोस्तों, काम खत्म, है ना। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते, चलो स्टोरी को भी आगे बढ़ाते हैं। 2009 तो हो गया, अब 2011 में एक मूवी आई थी, गोवा के पास एक इंस्पेक्टर था, यू नो गोवा के पास एक इंस्पेक्टर था, मूवी का नाम बताइए। केवल 2 सवाल पूछूंगा इस मूवी के आपको, केवल 2 सवाल। सिंघम, तो अब ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखना है और डायलॉग लिखना है, देखना है और डायलॉग लिखना है। एग्जाम में ऐसे पूछते ना किसने किससे क्या कहा, तो वो कुछ ऐसा करता है, यू नो क्या क्या था वो डायलॉग, तुरंत लिखिए 20 seconds टू यू। लेट मी सी वो क्या कहता है, आहा आता माझी सटकली, है ना। और क्या कहते साइमन गो बैक किसने कहा था, बोले साइमन कौन है मेरे को याद नहीं, आता माझी सटकली मेरे को याद है, बोले साइमन गो बैक साइमन चला गया मेरे को कुछ याद नहीं, आता माझी सटकली मेरे को याद है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक मूवी आई थी, वो मूवी आई थी 2015 में, और वहां एक विशाल सा राज्य था, क्या था, विशाल सा राज्य। चलो 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 फटाफट 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 बच्चा लोग, कमान 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 कमान, यस आई वांट यू टू बी एंथुसियास्टिक, यस बाहुबली। अब यहां पे ना 3 बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, ओके तो बाहुबली का नाम बताए, उसके भाई का नाम बताए, और उसकी मम्मा का नाम बताए, और अगर कोई बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना ब्रिलियंट बच्चा है तो वो उनके किंगडम का भी नाम बताए। मगधीरा वैसे ना मेरी फेवरेट मूवी है, मगधीरा एक लड़ा था 100 से, क्या बात है यार मगधीरा, आ हा हा देखिए मगधीरा, मैं रिकमेंड करूंगा आपको, है ना।
क्या वॉरियर एटीट्यूड था वहां पे, क्या बात है, क्या बात है ना। बल्लाल देव भाई मिल गए, चलो 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 हमें बल्लाल देव। नाउ यू जस्ट इमेजिन, किसी का सीधा सीधा नाम है सुभाष चंद्र बोस तो याद नहीं रहता, इनको महेशमती याद है, इनको बल्लाल देव याद है, इनको अमरेंद्र याद है ना, है कि नहीं। ओहो ये कौन है, रेशमा भोर जी ने तो चारों के सवाल दे दिए। महेशमती साम्राज्यम राजमाता, राजमाता का नाम क्या था जरा बताइए, हा 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 हा, राजमाता का नाम। चलो 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 कमान कमान कमान। हाँ शिवगामिनी नहीं, गलत जवाब, शिवगामिनी देवी, देवी अब देखिए शिवगामिनी देवी याद रह जाता है ना, है ना। और हम यहां पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, तो आर्की इधर, मिडीज उधर और प्रिंसिपल कहीं और तो प्लीज रिमेम्बर दोस्तों, जहां स्टोरी है वहां मेमोरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये रहे वो मूवीज, थ्री इडियट, सिंघम, बाहुबली, और एक मूवी है यहाँ पे, इसमें एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल कौन बताएगा मुझे। 1400 करोड़ का सवाल था दोस्तों, इंडिया ने 1400 करोड़ स्पेंड किए उस सवाल का जवाब जानने के लिए, क्या था वो सबसे महंगा, कौन बनेगा 1400 करोड़पति का, बताइए, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आहा हा हा। इतने एग्जाम में तो सारा इंडिया नीट जेई पास हो जाए 1400 करोड़ की बात है सबसे महंगी एग्जाम ये थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। तो बच्चों अगर मैं आपको मेमोरी टेक्निक सिखाऊं तो कितने बच्चे मुझसे मेमोरी टेक्निक सीखना चाहेंगे, या इस तरीके से मेमोरी टेक्निक सीखना चाहेंगे, टाइप करे सीखना चाहेंगे, SC टाइप करे सीखना चाहेंगे। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये एक और है इबिंगस का फॉरगेटिंग कर्व। तो जैसे मैंने कहा रॉजर डब्ल्यू स्पेरी ने क्या किया, तो उसने नोबेल प्राइज जीता 1981 में स्प्लिट ब्रेन थेरेपी। इबिंगस को नोबेल तो नहीं मिला, पर इनका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए, स्पेशली उनको जिनको मेमोरी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, मैं परेशान हो जाता हूँ एनालाइज करके। मेरा एक दोस्त है मिलिंद नाम का, ओके छोटा है, काफी छोटा है मुझसे, आधी उम्र का होगा शायद मेरे से, है ना। 12th पास नहीं कर पाया, रोते रोते 12th पास की, फिर फार्मेसी किया, और हमेशा बोलता सर मुझे ये याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता, वगैरह वगैरह। अब फार्मेसी हो गई, अब एक मेडिकल दुकान पे लग गया। नाउ जस्ट इमेजिन, वो कम से कम 800 मेडिसिन की लोकेशन जानता है दुकान में, पता है 800 मेडिसिन कौन सी कहां मिलेगी इस डिब्बे में। नहीं सर वो बाजू वाला, हाँ छोटा वाला है ना, उसमें होता है ना। अब मेरे कैसे है, खास दोस्त है तो हम उसके यहाँ मेडिसिन खरीदने नहीं जाते, हम जाते हैं डिब्बे में हाथ डालते हैं मेडिसिन लेते, उसको बोलता है ये पत्ता लेके जा रहा हूँ कागज पे लिख देना, है ना। यू नो दैट्स हाउ वी डू शॉपिंग। आज की पीढ़ी के बच्चों को ये नहीं पता है ना, दोस्तों वाली शॉपिंग है ना, है ना। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि यार बोले मैं एक होटल शुरू करने की इच्छा है मेरी, तो बता क्या क्या करना चाहिए। मैं बोला सबसे पहली जरूरत लोकेशन, गली से कम 15 किलोमीटर दूर होना चाहिए, यू नो नहीं तो पता चला ग्राहक आए ना है अपने दोस्त, है ना। हमारा और करना था पोहा वाला, तो सुबह सुबह पोहा बनाता तो पहला राउंड तो दोस्तों में चला जाता 10-12 प्लेट का, उसके बाद दुकान शुरू होती है। और अन्ना भी दिलदार था, है ना, बिजनेस बंद करवा दिया उसने, पर दोस्तों को ना नहीं कहा, यू नो। अब ये फुलिशनेस है या क्लेवरनेस है, आप तय करना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं बिजनेस का फॉरगेटिंग कर्व क्या है। कि उसने कहा कि इंसान को अगर सब चीजें याद रहने लगी तो इंसान का माइंड जो है जैम हो जाएगा, मोबाइल के जैसा, है ना। मोबाइल का रैम अगर कम हो गया तो क्या होता है, मोबाइल स्लो हो जाता है। सेम वे अब हम इतनी सारी चीजें देखते, यू नो ह्यूमन माइंड कैन कैप्चर सो मेनी थिंग्स एट ए टाइम, यू नो कैप्चर सो मेनी थिंग्स एट ए टाइम, फ्रैक्शन में कितनी सारी चीजें कैप्चर कर लेता है ह्यूमन माइंड, है ना। स्पेशली आप देखिए जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, आप पूरी ट्रैफिक देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, इधर से कोई क्या कहते हैं बकरी या भेड़ या भैंस ना आ जाए, इंसान ना आ जाए, गड्ढा है, पानी है, स्पीड ब्रेकर है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, सब देखते हैं और फटाफट डिसीजन भी लेते हैं इतना फास्ट, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। अगर हम ये इतना सब कर पाते हैं तो हमारी मेमोरी में ये सब जा रहा है, जस्ट इमेजिन।
कल आपने मान लो 40 गाड़ी देखी सिग्नल पे, और आपको सब गाड़ी के नाम याद है, नंबर प्लेट याद है, गाड़ी में बैठे हुए लोगों के चेहरे भी याद है, एज इफ सीसीटीवी के फोटोज है, कैसे होगा, हैंग हो जाएगा। तो परमात्मा ने हम पे एक बड़ा उपकार किया कि वो हम जिन चीजों को हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना, मेमोरी का सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको दे रहा हूं, जिन चीजों को हम रिपीट करते हैं केवल उन्हीं चीजों को हमें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर किया जाता है, बाकी सबको हम भूल जाते हैं। तो इबिनगस का फॉरगेटिंग कर क्या कहता है कि हम जो भी चीज सीखते हैं उसमें से ऑलमोस्ट एक घंटे में हम 66% ना 56% हम एक घंटे में भूल जाते हैं। ओके, एक दिन में हम 33% ही याद रख पाते हैं, हफ्ते भर में 25% ही याद रहता है, और महीने भर के बाद में तो केवल 20-21% याद रहता है। ये याद रखना दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पावर ऑफ रिपीटेशन यूज करके आप आपकी मेमोरी बेहतर बना सकते हो। तो कितने सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि जब सिखाती है टीचर तब तो सब कुछ याद आता है ना, तब सब कुछ जम जाता है, यू नो, टिंग 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 टिंग, जब टीचर सिखाती है, और जब एग्जाम आती है सब खाली, यस। तो उस वक्त ना टीचर को दोष दे नहीं देना, खुद को भी नहीं, मम्मा को बोलना ये बिनगोस की मेहरबानी है, उसने बताया था ऐसे होता है, यू नो, तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, सबका ऐसे होता है, यू नो, एग्जाम तो बाद में होती है ना। तो जो फ्रेश है माइंड में वही याद रहता है। तो बिनगोस का कर्व को सीरियसली लेते हैं, और ये कर्व से हम सीखते हैं रिविजन करने का तरीका। व्हाट्स द वर्ड? रिविजन करने का तरीका। अगर आप रिविजन नहीं करते हो तो क्या होता है पता है आपको? ध्यान से सुनिए, ये कर्व इतना फास्ट जा रहा है, तो घंटे भर बाद ही आपका ना देखिए 55-56% तो फाइल नॉट फाउंड आ जाएगा ना, है ना? तो ये ऐसा मैसेज आता है, फाइल नॉट फाउंड। क्या मैसेज आता है? फाइल नॉट फाउंड। तो मैं आप सबको विनती करता हूं दोस्तों, अब मैं जो रिविजन का तरीका आपको बोल रहा हूं, इस रिविजन के तरीकों को ध्यान से देखते हैं। इबिनगोस क्या कहता है? घंटे भर में अगर आप कुछ भी सुनते हो तो घंटे भर बाद आप ऑलमोस्ट 44% याद रखते हो, बाकी भूल जाता है। मतलब मेरा अगर आज 1.5 घंटे का लेक्चर है तो आप कितना याद रखोगे आपको पता है? और आप ज्यादा याद इसलिए रखते हो क्योंकि मैं एक मेमोरी कोच हूं, तो मैं कुछ कई बार नोटिंग करता हूं, है ना? नोटंकी मेरा स्वभाव नहीं है दोस्तों, बट मुझे पता है दिस इज द वे यू रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हाँ या ना? तो मुझे नोटंकी करनी पड़ती है, स्टोरिया सुनानी पड़ती है, ऐसा कुछ करना पड़ता है, यू नो, हाँ या ना? तो ये जरूरी है। तो आपका बच्चा अगर खेल कूद के साथ अगर स्टडी कर रहा है, खेल और स्टडी एक साथ नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना, हंसी मजाक में अगर स्टडी कर रहा है तो चलेगा चलेगा, बट उसके भी तरीके होते हैं जो हम बता देंगे आपको, है ना? तो प्लीज नोट करें, रिवीजन का तरीका, जब भी आप कोई भी चीज सीखो तुरंत सेशन खत्म होने के बाद, तुरंत बाद उसको एटलीस्ट एक नजर घुमाओ। 5 मिनट का अगर रिवीजन कर सको तो बहुत अच्छा, 5 मिनट का रिवीजन कर सको तो बहुत अच्छा। दूसरी बात, विदिन 24 आवर्स उसका और एक रिवीजन होना चाहिए, फिर इबिनगोस ने क्या कहा, हफ्ता आते आते हमें केवल 25% याद रहता है, तो हफ्ते भर बाद भी एक रिवीजन हो जाए, महीने भर बाद एक रिवीजन हो जाए। अब ध्यान से सुन लेना, 45-50 मिनट की स्टडी को या फिर 1 घंटे की स्टडी को 5 मिनट का रिवीजन इनफ है। व्हाट्स द वर्ड? 5 घंटे का रिवीजन इनफ है, इनफ। पर ये डिसिप्लिन अगर आपने रख लिया तो काम खत्म। आजकल बच्चों का एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों कि बच्चों के पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं है, वो कहते रिवीजन के लिए टाइम नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है तो आपको चाहे तो घंटा भर स्टडी कम करनी है, पर रिवीजन का टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्लीज नोट, प्लीज नोट, हमारा माइंड बना ही है भूलने के लिए, ये पूरा साइंस है, गूगल करके देख लीजिएगा, पूरा साइंस है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के करिकुलम देखे, हाउ मेमोरी वर्क्स, सबको आना चाहिए ये, है ना? अरे हमारे घर में फ्रिज आ जाता है, वॉशिंग मशीन आ जाती है ना, जैसे वो आ जाती है हम उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, हाँ या ना? अब दुनिया की सबसे डेंजरस मशीन, नो यूजर मैनुअल, जिन लोगों को समझा वो बोलेंगे मेरे पास ही रहो, किसी को नहीं दूंगा, No way, this is my top secret, है ना? तो खुद ही जीनियस बनना चाहते हैं, बट हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, मेरे को मालूम है हम नहीं बनेंगे, आप बन जाओ, चलो जय श्री कृष्ण। तो ये कोई टॉप सीक्रेट अभी नहीं है आपके लिए, तो करना क्या है, स्टडी
करोगे तो रिवीजन कंपलसरी, इमीडिएटली 5 मिनट का, अगले दिन 5 मिनट का, उसके बाद हफ्ते भर बाद 5 मिनट का, और महीने भर बाद 5 मिनट का। तो अभी आपको क्या करना है, टाइप करना है चैट बॉक्स में, टुडे 5 मिनट्स, टुमारो 5 मिनट्स, वीकेंड 5 मिनट्स, एंड मंथ 5 मिनट। सो T5, T5, W5 एंड M5 ऐसा टाइप करना है आपने। T5, T5, W5, M5 टाइप करें, T5, T5, W5, M5, 5-5 मिनट का रिवीजन है ना। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताना, ये वही था, अगर आप इवन 1 घंटा स्टडी अगर कर रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टडी का आइडियल टाइमिंग 1 घंटे से ज्यादा ना हो। इंसान का ब्रेन नॉर्मली 45 मिनट 50 मिनट तक अच्छे से फोकस कर सकता है। यस, एंड दैट इज वेयर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बच्चे को 3 घंटे की एग्जाम देनी है, बराबर है, तो वहां पे उसको एक जगह पे बैठने की और राइटिंग की कम से कम 3.5 आवर की प्रैक्टिस जरूरी है, अदरवाइज बच्चा 3 घंटा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। आखिरी के 20 मिनट तो ऐसे हवा में उड़ जाती है ना, किसी तरीके से मजबूरी में बच्चे एग्जाम कंप्लीट करते हैं बहुत सारे, तो वो प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो मैंने क्या कहा, 5 मिनट का रिविजन कीजिए और आगे बढ़िए। यस, आगे बढ़ते हैं, मैं भी आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना। चलो मैं आपको एक मिनट के टेस्ट दे रहा हूँ, ये 10 प्रकार के लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया है, 10th स्टैंडर्ड का ये एक प्रश्न है, और आपको इसे याद रखना है, यू नो। और ये एग्जाम होगी पेरेंट्स की, तो कोई बच्चा इसमें नहीं पढ़ेगा, नहीं नहीं चलो दोनों पढ़ते हैं, यू नो, तो बच्चा भी ट्राई करे, माँ भी ट्राई करे, और देखिए किसकी मेमोरी ज्यादा है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि केवल 1-2 मिनटों में मैं आपको ये पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, वो भी इसी तरीके से कि बिना मेहनत के आपको याद रहे। तो कितने लोगों को ये सीखना है, टाइप करें, सीखना है SH, टाइप करें SH। तो ध्यान रखिए, अगर मान लो आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते हो तो ये सेशन रोक दिया जाएगा, वर्ड्स वर्ड रोक दिया जाएगा, ये सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको हमारे लिए टाइम नहीं निकल सकते आप, तो हमारे पास भी टाइम नहीं है ना, दोपहर का समय है, मैं तो पूना वाला हूँ यार, 2 से 5 तो सोना बनता है यहाँ पे पूना में, है ना, शो ऑफ हैंड्स, है ना, 2 से 5 आम ही काम करत नहीं, यस बनता है यार, फिर भी हम आपके लिए कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैंने एक बहुत ही, मैं अभी आपको साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं, आपका वीडियो आप जो करना है करो, मुझे क्या लेना देना, आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीबॉडी, बट मैंने आपको एक आपकी साइकोलॉजी समझाने के लिए ये नौटंकी की, मुझे कृपया माफ करें। ध्यान से सुनिए, इंसान का माइंड है, जब तक कंपल्शन कोई नहीं करता वो काम ठीक से काम नहीं करता, सुधरता नहीं है ना। तो खुद को कंपल्शन में डाले, जरा सी धमकी क्या देर डाली, 25-30 लोगों ने वीडियो ऑन कर डाले, है ना, और अब तक प्यार से रिक्वेस्ट करता, हो सके तो कृपया वीडियो ऑन कीजिए, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, सब लोग बोले हम तो लेटे रहेंगे। माइंड को समझते दोस्तों, बंधुरात्मना आत्मन तस्य येन आत्मना आत्मना जीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते ता एव शत्रुवत, भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक 6 भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारा मित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, या तो सबसे बड़ा मित्र है, क्षमा चाहिए एक शब्द मेरा मिस हो गया, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, क्या, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर ये बात सच नहीं है तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो जीवन में CCTV होते हैं ना, उनको थैंक यू कहे, हाथ जोड़ के थैंक यू कहे, जब भी CCTV आती है, जब भी किसी सिग्नल पे वो मामा आते हैं ना, सिटी वाले खड़े होते हैं, लोग ईमानदार बनते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, और जैसे ही सीसी सिग्नल हट जाता है या ट्रैफिक वाला बाजू में हो जाता है, हम इधर उधर देखते निकल जाते। चोरी करना मन का स्वभाव है, शॉर्टकट मारना मन का स्वभाव है। अब अगर आपको कोई टोक रहा है और आप उसको उल्टा जवाब दे रहे हो तो आपका भला हो नहीं सकता। अब मैं बात कर रहा हूँ हर घर में चलने वाले टॉम एंड जेरी खेल की, बहुत सारे बच्चे हैं, धन्यवाद दे अपनी माता का कि वो बार बार आपको कहती है बेटा स्टडी कर स्टडी कर स्टडी कर स्टडी कर 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 कर, बच्चा बोलता है मेरे कान में कर कर हो रही है, थोड़ा तो रुको, करता हूं ना मम्मी, हाँ या ना। तो ध्यान से सुनना, ये ब्रेन की साइकोलॉजी है, आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों।
आपका मन कंपल्शन में ज्यादा अच्छा काम करता है। एग्जाम है ना, मैं आपको बताऊं, पबजी नहीं, मैं तो बोलता हूं बाप जी दे दो, कोई बच्चा नहीं खेलेगा एग्जाम के पहले वाले दिन, यू ना 8 घंटे पे एग्जाम है, दे दो पबजी, दे दो बाप जी, दे दो माओ जी और 10 जी दे दो। बच्चा बोलेगा मेरी एग्जाम है, और एग्जाम साल भर बाद है, ओ बोलेगा बुक है शेल्फ में रखा है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। सो आई बिलीव दैट वॉज अ गुड डेमो, थैंक यू एवरी वन फॉर योर कोऑपरेशन, जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, पर ये माइंड को समझते हैं दोस्तों, साइकोलॉजी को समझते हैं, है ना। हमने बहुत समय लगाया है, हमने बहुत पैसा खर्च किया है, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है माइंड कैसे काम करता है इसमें। और जिसने मन को समझ लिया ना, बंधुर आत्मना आत्मन तस्य येन आत्मना आत्मना जीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत्। मन मन को जीतना जरूरी है अगर स्टडी में आगे बढ़ना है तो। दोस्तों चलो अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, कितना 1 मिनट का समय, आपके सामने स्क्रीन पे 10 टाइप की लैंड है, आपको याद करने की कोशिश करनी है। ओके, सो देवी और सज्जनों, ये रहा आपका आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, नहीं ये दूसरी टेस्ट है आपकी, ऑलरेडी आपने मूवीज वाली टेस्ट तो दे दी है ना, तो ये 10 आपको याद रखने की कोशिश करनी है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये 10 जो लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया है पूरा याद हो गया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अभी इसके बाद आप जीवन में कभी से नहीं भूलोगे, है ना। यस, अच्छा कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि नहीं शायद ये याद नहीं रहेगा, है ना। अब मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, सिंपल सी टेक्निक, टेक्निक का नाम है इन्वॉल्विंग मी। व्हाट इज द वर्ड? इन्वॉल्विंग मी। ये टेक्निक यूज करो और आप मेरे साथ इसे याद करने की कोशिश करो। मैं आपको शर्त लगा के बता देना चाहूंगा, आप भूलोगे नहीं। तो इसके लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए, और मैंने एक प्यारा सा पार्टनर ढूंढ लिया है। ये रहे मेरे पार्टनर, इनका नाम है अश्विन भाई, अश्विन धोत जी नाम है, और ये हमारे टीम के हेड ट्रेनर है, और ये बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं और इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के गाइडेंस करते हैं। तो अगर आपको लगता है इनसे ये अच्छा काम कर रहे हैं तो टाइप कीजिए MPT by more power to you अश्विन सर, ऐसा टाइप कीजिए MPT by, क्या टाइप करना है MPT by more power to you अश्विन सर, है ना। तो ये कई सारे बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं, बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, एंड बढ़िया है ना, एंड काफी है, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू अश्विन सर। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये मेरे पार्टनर है अश्विन सर, ठीक है, अच्छा पार्टनर मिल गया मेरे को, उसका भी टीका मेरा भी टीका है ना, टीका टीका वाले साथ में है ना। तो चलो अभी हम सीखने का प्रयास करते हैं कि इसे याद कैसे रखते हैं। तो कल्पना कीजिए, मान लो मैं और अश्विन सर ना सुबह सुबह क्वारंटाइन खत्म हो गए, तो मैंने अश्विन सर को बोला अश्विन भाई चलो जरा ना वॉक करते, यू नो वॉक, वजन थोड़ा बढ़ गया है तो थोड़ा सा वॉक करते हैं। तो अश्विन ने बोला यार वॉक तो करना है ना, तो ट्रैक पे चलते, कहां पे चलते हैं, ट्रैक पे। तो हमने ट्रैकिंग के लिए ढूंढी एक हिल, यू नो हिल, तो मैं और अश्विन भाई हिल पे चले गए, कहां चले गए हिल पे चले गए। तो जैसे हम हिल के टॉप पे पहुंचे तो उस साइड में एक फॉरेस्ट लैंड दिखी, यानी जंगल दिखा मुझे। अब बहुत दिनों बाद हम चलने निकले थे, तो अश्विन भाई ने कहा क्या कहते हो सर, जंगल में मारना है ग्राउंड? मैं बोला यार नेकी और बूझबूझ चलो। तो मैं और अश्विन भाई कहां चले गए, फॉरेस्ट लैंड में चले गए, जंगल में चले गए। अब जंगल से उतरे उस साइड में, तो थोड़ा सा जंगल की दूसरी साइड से बाहर निकले तो वहां एक प्लेन लैंड थी, खाली जमीन थी। तो अश्विन भाई ने कहा सर क्या इरादा है, थोड़ा क्रिकेट खेल लिया जाए, खाली जमीन दिख रही है। तो मैंने कहा अश्विन भाई अरे यार, बोले क्या मजाक कर रहे हो, लेफ्ट में देखो गाय भैंस चल रही है, ग्रेजिंग लैंड है, उधर अगर घास में चली गई बॉल तो कैसे मिलेगी, नुकसान हो जाएगा, है ना। ग्रेजिंग लैंड में गई
तो नुकसान हो जाएगा। तो अश्विन भाई ने बोला ओके इस साइड खेलते हैं। मैंने बोला इस साइड तो रामू की खेती है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इधर भी नहीं खेलेंगे। अब अश्विन भाई नाराज हो गए। अश्विन भाई ने बोला क्या यार, इतने दिनों बाद क्रिकेट का मूड बना और आप बोल रहे हो। तो मैंने उनको अश्विन भाई को कहा, बोले कोई नहीं, ग्रेजिंग लैंड भी नहीं चलेगी और ये एग्रीकल्चरल लैंड है, कहीं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मिल जाए तो हम खेलेंगे। तो हम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ढूंढते ढूंढते रोड तक आ गए, यू नो, रोड तक आ गए और हमें हमारी पार्क की हुई गाड़ी सामने दिख गई, यू नो। तो रोड तक आ गए, हमने गाड़ी को निकाला और हम आगे बढ़ने लगे। तो फिर रास्ते में एक गार्डन दिखी, वापसी घर की तरफ आ रहे। अश्विन भाई ने बोला यहाँ खेलेंगे। मैं बोला यार बच्चों को लग जाएगी गार्डन में, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो अश्विन भाई नाराज हो गए, वापस आ गए। फिर थोड़ी देर बाद बोले यार तुम्हारे साथ बात करके तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो चला ऑफिस। क्या कहा उन्होंने, ऑफिस। तो मैंने कहा मैं तो चला घर। फिर अश्विन भाई ने बोले आपको घर जाना है तो जाओ, पर मैं तो डेफिनेटली अलीबाग जाऊंगा पूना से, और सैंडी वहां की ना रेतीली जमीन पे खेलूंगा क्रिकेट, और अगली बार क्रिकेट को आपको बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगा, यू नो। मूड खराब कर दिया बोले मेरा। तो ये टेक्निक है जिसका नाम है इन्वॉल्विंग मेमी, है ना, खुद को इन्वॉल्व करो, एक स्टोरी बनाओ। तो देखते हैं आप में से कितने लोगों को याद रह गई। तो आपको पहला वर्ड टाइप करना है, अगर आपको याद आता है तो पहली वाली लैंड कौन सी थी, जरा टाइप करें फटाफट फटाफट फटाफट, यू नो, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, तो पहले वाली लैंड थी हिल लैंड। ओके, दूसरी वाली लैंड कौन सी थी, जरा बताइए फटाक से। दूसरी वाली, दूसरी वाली, यस हाँ, फॉरेस्ट लैंड। तीसरी वाली कौन सी थी, अच्छा छठी वाली कौन सी थी, चार पांच को छोड़ दीजिए डायरेक्ट छह पे जाते हैं, छठी वाली कौन सी थी, छठी वाली कौन सी थी। चलो 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 फटाक से, नॉन एग्रीकल्चरल, अमेजिंग अमेजिंग रिप्लाई, अमेजिंग रिप्लाई। उसके बाद क्या था बताइए मुझे, कौन सी लैंड थी। ओहो रोड वाली, उसके बाद गार्डन। चलो रुक जाते हैं रुक जाते हैं, अब हम ना रिवर्स में जरा जर्नी करने की कोशिश करते हैं। फटाफट बताइए आखिरी वाली कौन सी थी, आखिरी वाली कौन सी थी, जरा बताइए। उससे पहले कौन सी थी, उससे पहले, आखिरी से पहले हाउस, उससे पहले कौन सी थी, ऑफिस, उससे पहले कौन सी थी। ओहो उससे पहले कौन सी थी, गार्डन से पहले, रोड, रोड से पहले। नॉन एग्रीकल्चरल, ओके बढ़िया, उससे पहले रामू की खेती, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू गौरव जी, यस उससे पहले, उससे पहले, एग्री से पहले, ग्रेसिंग, उससे पहले, प्लेन, वाओ थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट, उससे पहले, उससे पहले। जय श्री कृष्णा, एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी के लिए, यू ऑल आर सुपर ह्यूमंस, भारी, हाय ना, शो ऑफ हैंड्स, मजा आया। तो इस टेक्निक का नाम है इन्वॉल्विंग मी, खुद को ही इन्वॉल्व करो, और द वर्ड है खुद को इन्वॉल्व करो। और एक बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको फास्ट बनाना है एजुकेशन को, आपके मेमोरी को बेहतर बनाना है, स्टडी को इजियर फास्टर बेटर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आपकी एजुकेशन की पद्धति पता होनी चाहिए। आप विजुअल हो, ऑडिटरी हो या काइनेस्थेटिक हो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। स्टडी मेथड आपको पता होनी चाहिए, ये अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स है, यू नो, अलग अलग स्टडी टेक्निक्स है, जो इंसान देख कर पढ़ता है उसके लिए अलग तरीका होता है पढ़ने का, अलग टेक्निक्स होती है। जो इंसान सुनकर ज्यादा याद रखता है, जिसका कान बड़ा है, जो कानसेन है ना, वह जो इंसान है उसके सीखने का तरीका कुछ अलग होता है, और जो इंसान कर कर ये करता है ना, सीखता है, उसका सीखने का तरीका अलग होता है। तो मुझे बताइए आप में से कितने सारे लोग जानते हैं कि आपकी कौन सी बेस्ट टेक्निक है। मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, 4-5-6 हजार में, 5-6 हजार में आपको ये सब टेस्ट मिल जाती है। बट ना, लोग पिज्जा खाएंगे, लोग मूवी को जाएंगे, है ना, लोग क्या क्या करेंगे भगवान जाने, है ना। बट ये ऐसी चीजें ना तो कोई किसी को बताएगा, ना तो किसी कोई कुछ करेगा। बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे आपको, सीधे सीधे आपको ये आपका पता होना चाहिए कि आपका विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, और अकॉर्डिंगली अगर आप स्टडी करो तो बहुत बेहतर है, ना करो तो ये तो वैसे ही बात होगी कि आप, आपके पास गैस है, 3 बर्नर है और सबसे छोटे पे खाना बना रहे हो, यू नो।
तो फिर क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा है या ना, मेहनत ज्यादा लगेगी और आउटपुट कम आएगा। तो आपकी लर्निंग स्टाइल को ढूंढिए और उसके अनुसार यहाँ पे जैसे मैंने ये टेक्निक बताई है, विजुअल है तो रीडिंग, स्पीड रीडिंग, माइंड मैप, स्कैनिंग, विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन, ये टेक्निक यूज कर सकते हो। ऑडिटरी अगर है तो रीड लाउड ऑडियो टेक्निक, लिसन टू द ग्रुप एंड वगैरह वगैरह, है ना। काइनेस्थेटिक है तो अलग तरीके से। ये टेस्ट आपके बच्चे की जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। आगे मर्जी है आपकी, आखिर पढ़ना है आपने, है ना। जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हा, एक और टेस्ट आ गई। ये क्या है आपको लगेगा, अभी पिछली बार वाले तो हिल विल अच्छी थी, अब ये क्या क्या नाम आ गए, है ना। कार्बोनाइट, पोलोनियम, अर्गॉन, अरे क्या नाम है, इतना डिफिकल्ट नाम कोई पूछता है क्या बच्चों को। बट मैं आपको बेट लगा के बताता हूँ दोस्तों, आपसे 3 से 4 मिनट बाद ये सब नाम आपको याद रहेंगे, आपका कोई साइंस का बैकग्राउंड हो या ना हो, आपने पिछले 20 साल में केमिस्ट्री की किताब खोली हो या ना हो, आपको ये 10 के 10 नाम याद रहेंगे, ये कब्बर का वादा है। यस, तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि मैं मेरा वादा पूरा कर सकता हूं। अगर विश्वास है तो टाइप करें VH, विश्वास है, और अगर अविश्वास है तो टाइप करें मैं नहीं मानता, यू नो, मैं नहीं मानता। देखते हैं कितने लोगों का विश्वास है ना। पर टेस्ट से पहले दोस्तों मैं आपको ना कुछ टिप्स देना चाहूंगा। वुड यू लाइक टू हैव सम टिप्स, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की टिप्स चाहिए आपने को, कितने लोगों को टिप्स चाहिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की, सिंपल सी इफेक्टिव टिप्स, सिंपल एंड इफेक्टिव टिप्स। तो आपके एग्जाम, अरे पूरा विश्वास है, क्या बात है, है ना, इन्होंने तो पूरी भी जोड़ दी विश्वास के साथ ही, उन्होंने पूरा विश्वास है। बराबर है ना, पूरा विश्वास है, क्या बात है। तो जिम्मेदारी बढ़ गई, मुझे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। लेट मी एक लंबी गहरी सांस लेता हूँ, अब मेरे पे ना जिसे कहते हैं ना उम्मीदों का बोझ बढ़ गया है ना। चलो कोई बात नहीं। क्या आप लोग नोट कर रहे हो दोस्तों, आपके बच्चे भी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। ध्यान से सुनना, ये सेकंड साइकोलॉजी है स्टडी की, है ना। स्टडी को काम और बोझ अगर बनाओगे तो बच्चे भाग जाएंगे, हम सीख रहे हैं ना। चलो एक फिर से टेस्ट हो जाए। गार्डन की बात क्या था जरा बताइए मुझे चैट बॉक्स में, गार्डन के बाद क्या था। कम से कम 15 जवाब चाहिए मुझे, गार्डन के बाद क्या था, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम हंस रहे, जोक कर रहे, मजाक कर रहे, बट हम सीख रहे, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। This is called as positive learning psychology. When you are in good mood, when you are enjoying, आपकी efficiency अपने आप बढ़ जाती है दोस्तों। Study को ना ऐसा कोई, जिसे कहते हैं ना as if कि बस ये दुनिया का अभी क्या कहते हैं वो कौन सा दिन था, एक कुछ लोगों ने बोला ना प्रलय आने वाला 12/12/12 को, ऐसा किसी ने बोला था, बोले दुनिया डूबने वाली, जो मीठा खाना है खा लो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना दोस्तों। तो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं चीजों को, एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते करते सीखते हैं, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव वी आर लर्निंग समथिंग हियर, है ना, वी आर लर्निंग समथिंग हियर, है ना। तो कृपया इस साइकोलॉजी को देखते हैं। बच्चों को ना क्या होता है, टीचर भी एक्सपेक्टेशन लगा रही है, माँ बाप भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, इवन ये 10वीं 12वीं के बच्चों को तो पूरा समाज ने ठेका ले रखा है। हाँ 10th है तेरी बेटा, इस साल हो इम्पोर्टेंट ईयर, हाँ स्टडी करना, है ना। ये बच्चों ने उनको लेटर लिखना चाहिए घर जाने के बाद, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट आई हैव बीन 10th, मैं भूल गया था, है ना, यू आर सो ग्रेट, ऐसा लेटर लिखना चाहिए। ये इतना प्रेशर दे दे के ना बच्चों को तंग कर रखा है सोसाइटी ने, है ना। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास कई सारे बच्चे हैं जो 10th 11th 12th 3 स्टैंडर्ड में मेरे पास कोचिंग को आते हैं। मैं माइंडसेट की कोचिंग करता हूँ, है ना, डेली डिसिप्लिन की कोचिंग करता हूँ, है ना। डेली डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है, गोल सेटिंग की जिसे कहते हैं ना कोचिंग करता हूँ, उनकी जो कैसे जैसे कहते हैं इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ओके, थोड़े से लार्जर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की सेटिंग करता हूँ, अलाइनमेंट करता हूँ, तब बच्चे ना अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हैं दोस्तों, अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसा ही एक परफॉर्मेंस कल मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ। मेरे ही दो स्टूडेंट एक है
15 साल का और दूसरी है 19 साल की, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हाउ टू रिड्यूस एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया. मेरे स्टूडेंट आएंगे कल, मैं नहीं आऊँगा, तो आज ही आपको धन्यवाद, है ना. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, ये भी हो सकता है ना, एंड मज़ा आएगा. कल का सेशन आप मुझसे ज़्यादा एंजॉय करोगे जो आज का है उससे. तो स्वागत है आपका कल के लिए. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो कंसंट्रेशन के लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ. अगर किसी ने मिस कर दिया मेरा अनाउंसमेंट कल का, तो प्लीज़ नोट करें, आज का सेशन 15 मिनट ज़्यादा चलने वाला है, 3:30 तक चलेगा. यस, और आज मेरी टीम ने मुझ पर प्रेशर डाला है, तो जिस किसी के पास उसके आगे 10 मिनट है उनको मैं एक्सेप्शनल ऑफर दूंगा, एक्सेप्शनल, है ना. आज ही मैं एक मॉल से आया हूँ, वहाँ मैंने एक पे एक फ्री देखा, तो मैंने बोला ये तो छोटी ऑफर है, कुछ बड़ी ऑफर बना दे, यू नो. तो अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि आपको हमसे कुछ गाइडेंस चाहिए, कल मैंने ग्रुप में एक कुछ ब्रोशर डाला था, है ना, कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने देखा ब्रोशर, टाइप करे आए, जरा मुझे पता तो चले कि हमारे ब्रोशर देखे भी जाते हैं या नहीं जाते. ओके, तो कुछ लोगों ने देखा है ब्रोशर, चलो बहुत बढ़िया. तो उनमें से अगर कुछ सर्विसेस आपको चाहिए, तो टुडे बीइंग अ नेशनल पेरेंटिंग डे, हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे, और वो गिफ्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा 3:35-3:40 के बीच में. ओके, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहूंगा दोस्तों. सबसे पहली बात होती है प्लेस, है ना, सबसे पहली बात होती है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्लेस, है ना. मैं आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ना भगवद्गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा युक्त आहार विहारस्य, क्या कहा भगवान ने, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु युक्त स्वप्नाय बोधाय योगो भवति सर्वथा. तो वही है, ये स्लाइड में भी वही है, पर मुझे अचानक याद आया, अरे मेरे पास तो एक भगवद्गीता का बढ़िया सा श्लोक भी है ना. ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या है, युक्ताहार विहारस्य, मतलब क्या, युक्त आहार, अप्रोप्रिएट खाना चाहिए, ज्यादा मीठा टाले, प्लीज ज्यादा मीठा टाले. बच्चा लोग ध्यान से सुनना, आपके भले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा मीठा नहीं खाना. शक्कर रोक सको तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो 100% जैगरी चलती है, शक्कर हमने बंद कर दी, ऐसा माना जाता है शक्कर इज द न्यू पॉइजन. फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छा लगे तो स्वीकार कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना, हम तो नहीं यूज करते. मीठा टाले, जंक फूड टाले, है ना, जंक फूड. मैं आपको एक सिंपल सा और सीधा सीधा चैलेंज करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है आपकी मम्मा आपसे प्यार करती है, लगता है, पक्का, हाथ दिखाओ बच्चा लोग, हाथ दिखाओ, चलो, क्या आपको लगता है मम्मा प्यार करती है आपसे. फिर ऐसा क्या होता है कि होटल का टेस्ट और फास्ट फूड का टेस्ट मम्मा के टेस्ट से बेहतर होता है, सोचो जरा. एक माँ अपने 10-15-20-25 कभी कभी 30 साल का एक्सपीरियंस खाने का, डेली प्रैक्टिस वाला, प्लस माँ का प्यार, यू नो, माँ का प्यार, ये सब खाने में डालती है, फिर भी वो चाइनीज के गाढ़े को ज्यादा टेस्ट आती है ना, बाहर के होटल को टेस्ट आती है. कुछ तो मिलाते होंगे, आया ना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, कुछ तो मिलाते होंगे जो तुम्हारी माँ नहीं मिलाती. अब तुम्हें अगर अच्छी टेस्ट मिली तो क्या तुम्हारी माँ वो नहीं डालेगी खाने में. आजकल तो YouTube पे हर रेसिपी मिल रही है. ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको अट्रैक्ट करने के लिए गलत चीजें मिलाई जाती है. आर्टिफिशियल टेस्ट, आपके टेस्ट बर्ड्स है ना, उसको एक्टिवेट किया जाता है. व्हाट्स द वर्ड, एक्टिवेट किया जाता है, और इससे क्या हो जाता है, आपका वजन बढ़ जाता है, आपका बॉडी स्लो हो जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है ना. भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म सुचेष्टसु युक्त स्वप्नाय बोधाय योगो भवति सर्वथा. क्या कहा, युक्त आहार, सही सही आहार लो, सात्विक आहार लो. जंक फूड खाना है अगर बहुत ज्यादा आदत है तो एक हफ्ते में एक बार करो यार, रोज की जरूरत नहीं है, इससे आपके करियर पे बुरा असर पड़ेगा. युक्त आहार विहारस्य, विहारस्य मतलब क्या, घूमना, बाहर जाना. आहार के साथ विहार भी जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है, केवल स्टडी करके नहीं होगा. युक्त स्वप्नाय बोधाय, एप्रोप्रिएट नींद चाहिए. क्या चाहिए, एप्रोप्रिएट नींद. अगर आपकी उम्र 22 साल से कम है तो आपको कम से कम 7 घंटा कंटिन्यूअस स्लीप की जरूरत है, कम से कम 7 घंटा कंटिन्यूअस स्लीप. अब इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट, कोई 6 घंटा बोलेगा, कोई 8 घंटा बोलेगा. हमारे पास बहुत सारे टीनेजर्स है कोचिंग के लिए, हमने देखा है 7 आवर्स की नींद पे बच्चे ऑप्टिमम परफॉर्म करते हैं. 7 से अगर नीचे नींद आ गई उनको दिन भर लेजीनेस आता है, 7 से ज्यादा नींद आ गई 8 तक ठीक है.
ध्यान से सुनना, 8 घंटे से ज्यादा सोने वाले बच्चे, उनको बार बार सोने का मूड आता है, वो लेजीनेस में जाते हैं और प्रोकास्टिनेशन, काम को आगे ढकेलते हैं। चलो आशा मैम ने, मैंने सुनाया वो भी बच्चों को रिपीट करके सुना दिया, जय श्री कृष्ण। बोले रिपीटेशन सर ने बोला था, रिविजन जरूरी है, तुरंत कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो हमेशा कहता हूँ दोस्तों, ये जो सीसीटीवी लगा है ना आपके घर में, उसके सामने अगर, यानी मैं माता की बात कर रहा हूँ, अगर माँ के सामने आप समर्पित कर दो ना, हर सपना पूरा होगा दोस्तों। आपको फिर किसी बाहर के गुरु की जरूरत नहीं है, है ना। माता के सामने समर्पण होना चाहिए, क्योंकि माँ जानती है आपके लिए क्या अच्छा है। माँ तो तब भी जानती थी आपके लिए क्या अच्छा है जब आप बोलते भी नहीं थे, यू नो। अरे हिलने का भी नहीं पता था इधर उधर, अभी तो हम गर्दन हिला के कर सकते हैं ना, तब से माँ गाइड कर रही है दोस्तों। तो माँ की बात सुननी चाहिए और उसके बाद गुरु का नंबर आ जाएगा, है ना। तो युक्तहार विहारस्य युक्त स्वप्नाय बोधाय, है ना। तो नींद और जागृति है, उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। युक्त कर्म सुचेष्टसु, एप्रोप्रिएट कर्म करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट कामों के लिए एप्रोप्रिएट टाइमिंग लगा देनी चाहिए आपने। तो दोस्तों फिर से एक बार ये स्लाइड की तरफ जाते हैं, जगह कुछ ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप स्टडी करो, आपका चेहरा, यू नो, आपका फेस दीवार की तरफ होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, छोटी सी बात बड़े काम की बात है। आपका चेहरा कहाँ होना चाहिए? दीवार की तरफ। क्यों? नहीं तो बहुत सारे लोग ना ऐसे बाहर की तरफ देखते हैं, यू नो, बाहर की तरफ, दीवार की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। तो टीवी भी दिख रहा है, कंप्यूटर भी दिख रहा है, आने जाने वाले भी दिख रहे हैं। आपको विजुअल डिस्ट्रैक्शन रोकने हैं। व्हाट्स द वर्ड? विजुअल डिस्ट्रैक्शन रोकने हैं। ओके, दूसरी बात, टेबल पे सिर्फ वही चीजें हो जो काम की है, बाकी सब हटा दो, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। टेबल पे काम की चीजें रखो, ड्रॉअर में रखो, है ना। इडियट बॉक्स को, छोटे वाले इडियट बॉक्स को जेब में मत रखो, उसको दूर रखो। और एक बात है, अलर्ट्स बंद कर दो। व्हाट्स द वर्ड? अलर्ट्स, अलर्ट होते हैं ना, अलार्म छोड़ के सब अलर्ट बंद कर दो। मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीबडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बेड इज बैड। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, जब आप छोटे थे तो आपको सुलाने के लिए मम्मा आपको नरम चीज पे बिठा देती थी, यू ना। तो आपको पता है जब भी नरम चीज का स्पर्श हो जाए तो सोने का टाइम आ गया। एंड इसीलिए सोफासन या बिछानासन करते वक्त आपको नींद आ जाती है, यू नो। तो कभी भी आप देखो स्कूल में, कितनी भी बड़ी स्कूल हो, हार्ड सरफेस पे बैठते हैं हम, है ना। तो स्टडी के लिए जब भी बैठो हार्ड सरफेस पे बैठो, ऐसे मेरुदंड या स्पाइन कॉर्ड सीधा होना चाहिए, यू नो। ऐसे झुक के बैठे हो मजा नहीं आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया गया है? वाटर, यू नो, पानी, पानी पीते रहे। दुनिया का 70% पानी, शरीर का 70% पानी, दिमाग का 70% पानी। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, एडिक्वेटली हाइड्रेटेड। मैंने जैसे बोला ऑलरेडी, मैंने 2 ब्रेक ले लिए पानी के, इनफ है, इनफ है। आजकल तो आप बहुत लकी हो, हमारे स्कूल में तो ऑलमोस्ट 400 मीटर चलना पड़ता है। क्षमा, ज्यादा हो गया क्या? हाँ ज्यादा ही हो गया, 400 नहीं होगा वो, बट 200-250 मीटर तो पक्का चलना था हमें पानी की टंकी तक जाने तक। और मैं ये बिस्लेरी की ऐड देखता हूँ, और अभी हम स्कूल गए थे ना, मैं चंदन को बोला, चंद्या यहाँ पानी पीते थे हम, ये टंकी साल भर से नहीं धुई, उस पे, यू नो, वो क्या कहते हैं, शैवाल, ये पूरा ग्रीन स्लीपरी सब कुछ, और वहां हम पानी पीते थे। ऐसे कितने लोगों को याद है, है ना। और आजकल तो बोलते हैं यार नहीं, बिस्लेरी ले लो, बाहर का माहौल खराब है, यू नो, नहीं तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। पहले इम्यूनिटी को मारते हैं और फिर बोलते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पानी रेगुलरली पिए। खाने की बात मैं ऑलरेडी कर चुका और नींद की भी बात मैं ऑलरेडी कर चुका। यस, हाँ दोस्तों, सोहम लाइफ कंसल्टेंसी का यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 लाख से ज्यादा हमारे व्यूज हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो वहां पे है। आई रिपीट, 1000 से ज्यादा हमें यूट्यूब से ये स्पेशल अप्रिसिएशन मिला है 1000 अपलोड्स के लिए, यू नो। 27 अप्रैल 2021 को हमारे 1000 अपलोड कंप्लीट हो गए। तो प्लीज सोहम लाइफ कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ऐसे ज्यादा और ज्यादा वीडियो चाहिए। तो मैं आपको वापस लेके जाता हूँ एग्जाम की तरफ, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये शब्द भी आपको याद रहेंगे, है ना। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों,
हर एक बच्चा एवरेज हर दिन 6 नए शब्दों को सीखता है स्कूल में, एवरी डे 6 न्यू वर्ड्स, है ना, है ना, कुछ ना कुछ नए शब्द हर रोज आते हैं बच्चों को, हर रोज हर विषय के नए नए शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्निक मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों, ये टेक्निक का नोन है, नाम है फाइंड, क्या फाइंड यानी ढूंढो, नोन इन अननोन, फाइंड नोन इन अननोन, एग्जाम्पल। तो ये रहे शब्द आपके सामने, अगर मान लो कार्बोनेट आपको याद नहीं है, चलो एक काम करता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए, मैं फिर से एक बार अश्विन सर को लेता हूँ और एक स्टोरी बनाता हूँ, है ना। तो किधर गए अश्विन सर, अरे अरे यार वो को अश्विन सर को मैं साथ में लेता हूँ, यू नो, यस, सो हमारे साथ है अश्विन सर और मैं हूँ और अब हम स्टोरी बनाएंगे, यस yes, तो हम दोनों, तो मान लीजिए अश्विन सर का जैसे सफेद शर्ट है उसी तरीके से अपनी सफेद कार को लेके अश्विन सर जा रहे थे और रुक गए और मैं पीछे से आया और मैंने देखा कि अश्विन सर अपनी कार का बोनेट खोल के बैठे, यू नो कार बोनेट। अब कार पता है आपको, बोनेट पता है, तो कार्बोनेट तो याद रहेगा, भूल के दिखाओ मुझे, बेट लग गई आपके साथ, है ना, कार्बोनेट। तो मैंने कार्बोनेट में कार और बोनेट ढूंढ लिया, फाइंड नोन इन अननोन। कभी कभी परफेक्ट नोन मिलेंगे, कभी कभी इम्परफेक्ट नोन मिलेंगे, स्वीकार करो। आगे बढ़ते हैं, तो मान लो मैंने अश्विन भाई को बोला, अश्विन भाई क्या हो गया, क्यों कार्बो ये कार का बोनेट खोल के बैठे हो? अश्विन भाई ने बोला, आरसी सर देखिए ना कितना गर्म पानी उबल रहा है, इंजन गर्म हो गया। मैं बोला गर्म पानी, मैगी बनाते, वर्ड्स वर्ड, मैगी बनाते हैं, अगला शब्द है मैग्नीशियम, ध्यान से सुन लेना और थोड़ी देर बाद हम ट्रायल लेंगे, आपको याद रहता है या नहीं, मैग्नीशियम मैगी बनाते हैं। उन्होंने बोला यस, बन गई मैगी। मैं बोला अभी इसको कहाँ रखेंगे, यू नो इधर उधर। तो अश्विन भाई ने बोला कार के अंदर ना एक एयर गन पड़ी है ना, बच्चे की खिलौने की गन, एयर गन पड़ी है, तो बोले उसमें भरते हैं। तो अगला शब्द है एयर गन, नहीं एयरगन, एयरगॉन, ओके। तो मान लेते हैं कि मैंने वो एयर गन में भर दी मैगी और मैं ऐसे कर रहा हूं डिशाओ, व्हाट्स द वर्ड, क्या किया मैंने, ऐसे कीजिए 1 2 3 डिशाओ। हाँ, बच्चा बनना जरूरी है, अगर ज्यादा मेमोरी यूज करनी है, अच्छे से सीखना है, तो जितना सीरियसली सीखोगे उतना बोर हो जाओगे, भाग जाओगे। तो मैंने डिशाओ किया और पड़ोसी के फ्लोर पे गिर गई, है ना, वो जो मैगी है वो गिर गई पड़ोसी के फ्लोर पे। उसने कहा मेरे फ्लोर को रिन से धो, उसको क्लीन करो रिन से, फ्लोरिन क्लोरिन, व्हाट्स द वर्ड, फ्लोरिन क्लोरिन, क्या फ्लोरिन क्लोरिन, तो फ्लोर को रिन से क्लीन करना है, फ्लोर को रिन से क्लीन करना है। आगे बढ़ते हैं, तो मान लो मैं और अश्विन भाई, कल्पना करें मैं और अश्विन भाई ऐसे ना बैठे फर्श पूछ रहे, है ना, साफ करे, और अश्विन भाई की अचानक नजर जाती है एक बॉक्स की तरफ, यू नो बाजू में एक बॉक्स पड़ा है। अश्विन भाई सोचते हैं बॉक्स में क्या है, जरा देखते हैं, खोलने जाते हैं तो बॉक्स तो है टाइट, व्हाट्स द वर्ड। अश्विन भाई मुझे बोलते सर ये बॉक्स तो थोड़ा टाइट है, और अब हमारा अगला शब्द है बॉक्स साइड। तो किसी तरीके से अश्विन भाई ने बॉक्स खोला और बॉक्स से निकला ऑक्स, यू नो बॉक्स से निकला ऑक्स, और वो चला रहा था एक जेन कार, यू नो ऑक्सीजन। तो जस्ट इमेजिन, एक ऑक्स है, एक बैल है जो कि कार चला रहा है, जेन कार चला रहा है, जस्ट थिंक ऑफ इट। और आप इस ये इमेजिनेशन का आपको जिसे कहते पावर पता चलेगा कुछ मिनटों बाद। अब ये ऑक्स है ना, अब ये सब विवर्ड क्या कहते हैं ना, एकदम जिसे कहते हैं ना इलॉजिकल बन रहा है ना हर चीज, है ना वियर्ड इमेजिनेशन है ये, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो हम इसी वियर्ड इमेजिनेशन को आगे लेके जाते हैं और सोचते हैं वो ऑक्स अपनी जेन कार लेके ना एक पोल पे चढ़ रहा है, यू नो ऐसे चढ़ रहा है पोल पे कार लेके, यू, और वहां पे कुछ नियम लिखे है, क्या लिखे है, नियम। तो यहाँ पे क्या है, पोलो नियम, तो एक पोल है उस पे नियम लिखे। नाउ अगला शब्द है कोबाल्ट, कोबाल्ट भी हमें जरा मुश्किल लगता है। तो ऑक्स पोल पे चल रहा है, तो इमेजिन करो एक काऊ है पोल के टॉप पे, काऊ है को, और उसके हाथ में एक बेल्ट है, जस्ट इमेजिन काऊ और बेल्ट, कोबाल्ट, और उसने ये ऑक्स को बेल्ट दिया, बोला तुमने इस सब नियमों को फॉलो किया तो तुम ये बेल्ट लेके जाओ। अब ये ऑक्स गली में घूम रहा है, गैली नियम अगला वर्ड है, क्या है, गैली और नियम। तो हमने गैली को गली बना दिया, गली नियम, यू नो,
और वो बेल्ट लेके घूम रहा है, नियमों का पालन करो गली में, नियमों का पालन करो गली में, ऐसा करो मेरे साथ, चलो कमान 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 गली में, नियमों का पालन करो, यू नो नियमों का पालन करो। अब दोस्तों लेट्स सी, परीक्षा की घड़ी आ गई है, कोई होगा पास, कोई होगा फेल, कोई फेल नहीं होगा। चलो देखते हैं, तो पहला शब्द क्या था, कौन टाइप करेगा, कौन टाइप करेगा, थैंक यू, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, अर्पिता मैम ने कहा कार्बोनेट, उसके बाद क्या था बताइए मुझे, चलो उसके बाद क्या था, मैग्नीशियम, वाह 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 वंडरफुल, उसके बाद क्या था, ओके आखिरी वाला शब्द क्या था, आखिरी वाला शब्द, आखिरी गैलीनियम, उससे पहले क्या था, गैलियम से पहले कोबाल्ट, कोबाल्ट से पहले क्या था, पोलोनियम, उससे पहले क्या था, देवी और सज्जनों जल्दी से लिखिए, ऑक्सीजन, उससे पहले क्या था, क्या था क्या था क्या था क्या था, ऑक्सीजन से पहले बॉक्स था जो कि टाइट था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, क्लोरीन, उससे पहले क्या था, फ्लोरीन, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, एर्गॉन, उससे पहले क्या था, मैग्नीशियम, उससे पहले क्या था, कार्बोनेट, उससे पहले क्या था, कार्बोनेट से पहले क्या था, टाइप करें, कार्बोनेट से पहले अश्विन खड़ा था बंद गाड़ी के पास, भूलने का नहीं है ना, तब जाके स्टोरी याद आएगी। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए, क्या बात है, क्या बात है, इसको आप 3 बार रिवाइज करो मैंने बताई हुई टेक्निक से, जीवन भर नहीं भूलोगे दोस्तों, जीवन भर नहीं भूलोगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा भांजा है वरद, और वो हार्ट की कुछ बता रहा था मैंने उसे, और मैंने उसको लिटरली 80% एक्यूरेसी के साथ सर्कुलेशन का पूरी सिस्टम सिखा दी, कितना 25 साल बाद, इजीली पॉसिबल है दोस्तों टेक्निक्स यूज करना। मैं तो बहुत लकी था, मैंने 1999 में स्पीड रीडिंग सीखी है दोस्तों, 1999 में, आई वाज सो लकी, है ना, और आप लोग मुझसे ज्यादा लकी हो, क्योंकि 1999 में आई वॉज इन माई डिग्री फाइनल ईयर, एजुकेशन होने के बाद मुझे टेक्निक्स का पता चला, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो मेमोरी टेक्निक सीखना चाहेंगे, जस्ट बता दीजिए मुझे, मेमोरी टेक्निक सीखना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बात है दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर आप में से कुछ लोग मेमोरी टेक्निक सीखना चाहोगे तो टाइप करना है ब्रिंग इट ऑन, रुको, ब्रिंग इट ऑन, BIO टाइप करना है आपने, BIO। और अगर मैं आपको बोलूं कि मेमोरी टेक्निक का एक वर्कशॉप है हमारा, 6000 रुपए की फीस है और 12 घंटे का वर्कशॉप है, तो कितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप करें आई, टाइप करें आई, 6000, केवल 6000 में मैं आपको, आपके बच्चों को 14 मेमोरी टेक्निक सिखा सकता हूँ, 14 मेमोरी टेक्निक, सब बोलिए, मैं यानी मेरी टीम, हमारे यहाँ कौन मेरे को नहीं पता, ओके जो होता है वो होता है, वैसे भी मैं अभी 1 महीने के मौन पे जा रहा हूँ, है ना, तो किसी और को ही सिखाना पड़ेगा, शायद अश्विन सर को, लेट मी सी कितने लोगों ने आई टाइप किया, यस, मैं हमेशा याद दिलाता हूँ दोस्तों, हमेशा 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 जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, तो इससे बेहतर कुछ है क्या पूछते हैं, इससे महंगा कुछ है क्या पूछते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको ना मेमोरी वर्कशॉप के बारे में कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों। मेमोरी वर्कशॉप किस लिए है, तो इसलिए है, सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ रहे, रट्टे मार रहे, यू नो मेरे को याद है कार्बोनेट ने मेरी क्या हालत कर दी थी, है ना, ऐसे कार्बोनेट 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 कार्बोनेट, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 2 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, इसका Cl का -1, ओके Cl का -1, O का 2, O2, 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 ऐसे है ना, आया ना,
केवल 6,000 में, और मैं तो आपको गिफ्ट भी दूंगा, ध्यान से सुन लेना, मैंने आज को आपको प्रॉमिस किया, तो 6,000 तो पक्के नहीं लूंगा मैं आपसे, है ना। वैसे मैं टीम का इंतजार कर रहा हूँ, टीम मुझे कुछ ऑफर बताए तो मैं आपको बता दूँ। मैं तो ऐसे आके भाषण शुरू कर देता हूँ, बाद में मेरे को मैसेज आ जाते हैं, यू नो, है ना। मैं आपको रियलिटी बताना चाहूंगा, एक वक्त था जब मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था इस बिजनेस में, अभी मैं थोड़ा सा ध्यान पे फोकस कर रहा हूँ, बट देर आर टाइम्स जब मैं कोचिंग करता हूँ, जैसे चाणक्य नीति मैं अभी सिखा रहा हूँ, पैशन है मेरी तो मैं पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों मेमोरी वर्कशॉप की बात करते हैं, SIKM नाम का हमारा मैजिकल मेमोरी टेक्निक का वर्कशॉप है। अभी इस वर्कशॉप में हम क्या सिखाते हैं, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करना जरूरी है, हाय आना शो ऑफ हैंड्स। यस, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करना जरूरी है, आगे देखते हैं। साथ में लॉन्ग आंसर को कैसे याद रखना है, इसके तीन चार टेक्निक है, तीन है शायद। हाउ टू रिमूव सब्जेक्ट एंड एग्जाम फोबिया, डर को कैसे हटाए, माइंड मैप टेक्निक, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये सत्याग्रह का ना पूरा माइंड मैप है यहाँ आपको, आपको बताया क्या, 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी आ गए और वहाँ पे उन्होंने सत्य के प्रयोग किए थे, और उनको ऐसा लगा था कि अब मैं बहुत ही ज्ञानी बन गया और लोग मुझे पता चलने लगा। तो वो जब भारत में आए तो उनको पता था कि ट्रूथ का यूज करके इनजस्टिस को रोका जा सकता है ना, पावर का यूज नहीं करना है, उसके कंसाइंस को जगाना है और उसको उसके गुस्से को अप्रिसिएशन में बदलना है, है ना। तो गांधी जी ने कहा वी विल विन थ्रू ट्रूथ, तो पीपल है फिर क्या है, ये क्या है, ऑपरेशंस को हम ऑपरेस नहीं करेंगे, अपोज नहीं करेंगे, है ना, उसके उसको दिखाएंगे हम और उसके अंतर आत्मा को जगाएंगे। ये देखो ये कैसे है, मुंह पे पट्टी बांध के अहिंसा के मार्ग से अपील करेंगे उसके कंसाइंस को, है ना, और ऑपरेशंस को नॉन वायलेंस से जीतेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, गुजरात में खेड़ा में आंदोलन किया और बिहार में चंपारण में अमरन किया। अभी देखिए ये चंपा के फूल लेके बैठे बिहार वाले और ये मोदी जी बैठे, और अहमदाबाद में 1918 में उन्होंने एक आंदोलन किया किसे कहते हैं कपास के इसके लिए। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, ऐसे टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। आगे बढ़ते ये पूरा एक चैप्टर हो गया दोस्तों इधर, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग सिखाई जाएगी, टाइम मैनेजमेंट प्रोमोडोरो का बेस्ट यूज सिखाया जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाई जाएगी, विजुअलाइजेशन सिखाया जाएगा, जैसे ये विजुअलाइजेशन है ना कार्बोनेट, ओके, पेप्सी टेक्निक सिखाई जाएगी 10th, 11th, 12th के बच्चों को तो ये मस्ट है। आगे देखते हैं क्यूर टेक्निक, एक अमेजिंग टेक्निक है, वो सिखाई जाएगी, ग्रेटिट्यूड धन्यवाद भाव सिखाया जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा गोल सेटिंग सिखाई जाएगी, स्ट्रक्चर क्या होता है, गोल क्या, एम क्या, है ना। पेरेंटिंग तो हम ऑलरेडी सिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ बंद हो गया इस वर्कशॉप का। हाँ, अरे वाह, कुछ है यहाँ पे, वाह, मुझे लगा खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चे कैसे मजे से सीखते थे एक जमाने में, है ना, और वैसे बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हैं बच्चे, है ना। यू जस्ट इमेजिन के चेहरे की खुशी देखिए दोस्तों, ये बच्चों के चेहरे की खुशी देखिए, किस एंगल से लगता है कोई एजुकेशन का कोर्स किया है इन्होंने, नहीं लगता ना। दैट्स द पावर ऑफ लर्न विथ फन, है ना। तो ये हमारा आगे कुछ है क्या, जरा देखने दो। यस, अभी हम ऑनलाइन लेते हैं, ये जूम टेक्निक्स के माध्यम से वर्कशॉप लेते हैं ऑनलाइन। कई सारे लोगों के परिवर्तन हो गए, ये तो डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर रूपल शाह, इन्होंने कहा नॉट ओनली बच्चे की मेमोरी बेहतर हो गई, एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर हो गया, बट उसके टेंट्रम भी कम हो गए, ध्यान से सुन लेना, टेंट्रम भी कम हो गए। तो ये अमेजिंग मेमोरी वर्कशॉप है, इसका कंटेंट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे तो हम ग्रुप में शेयर करने ही वाले हैं, पर अगर आपको चाहिए तो ये इतने सारे टेक्निक हम सिखाते हैं बच्चों को, है ना। तो ये बढ़िया सा वर्कशॉप है, कितने लोग बुक करना चाहेंगे, टाइप करें आए, ओके, टाइप करें आए, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो बुक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ओके, एंड मेरी उम्मीद से बढ़कर, ध्यान से सुन लेना, मेरी उम्मीद से बढ़कर मैंने 4 मिनट पहले ही सेशन खत्म कर दिया, अब मेरे पास बोलने लायक कुछ बचा नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। और जिस किसी को आज की हमारी पेरेंटिंग डे स्पेशल ऑफर सुननी है, जिस किसी को आश्चर्यचकित होना है, वह ध्यान से सुनिए, वह हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगले 10 मिनट के लिए। यस, तो बाकी लोगों को मनपूर्वक धन्यवाद, आने के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।